कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम पाठ पांचवा पढ़ते हैं गणित का, जिसका विषय है पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या होता है? पैटर्न का मतलब होता है डिजाइन। बिन्नी और गिन्नी घर जा रही थी। रास्ते में उन्होंने कुछ लोगों को फुटपाथ बनाते देखा। इस काम में जिन टाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा था वे अलग अलग रंगों और डिजाइनों की थी। उन्होंने कुछ ऐसा देखा। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी माँ की साड़ी रस्सी पर टंगी देखी। उसमें भी अलग अलग रंगों से बना खूबसूरत डिजाइन था। शाम को वे पार्क में खेल रही थी। उन्होंने चार दीवारी पर लोहे की जाली लगी देखी। लोहे की इस जाली को देखकर बिन्नी ने कहा, हमारे घर की खिड़की पर यही जाली एक अलग तरह का पैटर्न बनाती है। हम इस तरह के अलग अलग पैटर्न अपने चारों ओर टाइल, कपड़े, दरी आदि पर देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पर्यावरण में अगर आप अनेक प्रकार की वस्तुएं देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उन अनेक प्रकार की वस्तुओं पर अनेक प्रकार का डिजाइन या फिर पैटर्न बना हुआ है। तो आज हम इन्हीं के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए अब एक छोटा सा अभ्यास कार्य करते हैं। भोलू चूहा बिन्नी की माँ की शॉल का एक कोना खा गया है। कौन सा टुकड़ा उसी पैटर्न का है? चित्र देखकर इसे पहचानने में बिन्नी की मदद करें। तो बताइए कौन सा टुकड़ा इस शॉल से मैच करता है। जी हाँ, दाई तरफ के दूसरा वाला, वो वाला पैटर्न शॉल से मैच करता है। अब अगले बन्ने पर आ जाइए। माधव गेट पर से एक पैटर्न बनाना चाहता है। क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से कौन सा पैटर्न इससे नहीं बनाया जा सकता? आपको एक सिंबल, एक साइन दे दिया गया है। तो अब वे आपसे ये पूछ रहे हैं कि हम इस सिंबल, साइन या फिर इस चिन्ह से कौन सा पैटर्न, जो पांच पैटर्न बने हुए हैं, कौन सा पैटर्न हम नहीं बना सकते हैं। तो बताइए इस चिन्ह से हम कौन सा पैटर्न नहीं बना सकते हैं। हम बीच वाला जो पैटर्न है वो हम इस चिन्ह से नहीं बना सकते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। खाली खानों को भरकर पैटर्न को पूरा करें। आपको कुछ खाली खाने दिख रहे हैं। आपको उन खाली खानों को एक एक करके भरना है और इस पूरा पैटर्न को तैयार करना है। जैसे जामुनी रंग के बाद अब आप क्या बनाएंगे? जामुनी रंग के बाद अब पीला रंग भरेंगे। फिर पीले रंग के बाद हम दोबारा जामुनी रंग भर देंगे। इसी प्रकार से अगर आप इसे नीचे वाला देखेंगे, आपको एक बॉक्स में आधा नारंगी रंग हुआ हुआ है, तो आधा आप कौन सा रंग भर देंगे? हरा, गहरा हरा रंग भर देंगे। इसी तरीके से आपको ये पूरा पैटर्न तैयार करना है। तो अब आप इसको जल्दी से कर लीजिए। अब अगले पन्ने पर आ जाते हैं। पत्तेदार पैटर्न। एक पत्ते से कई अलग अलग पैटर्न बन सकते हैं। ये पांच पत्तेदार पैटर्न देखो। तो आप इन पैटर्न को ध्यान से देखें और इसमें आपको ये पता चलेगा कि एक पत्ते से कितने अनेक प्रकार के पैटर्न बना सकते हैं। देखिए, पहले को देखिए कैसे एक पत्ती उल्टी और एक पत्ती सीधी रखी हुई है। फिर दूसरा आप देखिए कैसे एक पत्ती सीधी और एक पत्ती का मुंह दाएं तरफ है।
फिर तीसरा रो देखिए, एक पत्ती का मुंह नीचे है और दूसरी पत्ती का मुंह ऊपर है। फिर चौथे रो में देखिए, एक पत्ती का मुंह दाएं तरफ है और एक पत्ती का मुंह बाएं तरफ है। फिर पांचवे में देखिए, दोनों पत्ती नीचे हैं, फिर अगले में दोनों पत्ती का मुंह ऊपर है। तो इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि अगर हम एक पत्ते को अलग अलग तरीके से सजाएं, तो अलग अलग तरीके से सजाने से नए नए पैटर्न या फिर नए नए डिजाइन हम बना सकते हैं। तो अब इसका अभ्यास कार्य क्या हुआ कि अब तुम भी इस जो चिन्ह दे रखा है उन तीरों से अपनी कॉपी में कुछ पैटर्न बनाओ। तो आप ये बनाइए और फिर हम लोगों को दिखाइएगा। अब अगले अभ्यास कार्य पर आ जाते हैं जो आपको किताब में ही करना है। पैटर्न को ध्यान से देखो और खाली खाने भरो। आपको पहला रो दिख रहा है जिसमें लाल गोला पीला चाकोर, लाल गोला पीला चाकोर। तो बताइए अब अगली कौन सा आएगा। हम बनाएंगे लाल घेरा, लाल गोला हम इसमें बना देंगे, उसके बाद फिर पीला चाकोर। तो इसको आपको ऐसे ही पूरा करना है। दूसरे रो को देखिए, एक नीले रंग का तीर बना रखा है जो जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, तो ये भी बना दीजिए। जो बाकी के बची हुई खाली बॉक्सेस हैं अब अगला देखिए, आपको एक बॉक्स में एक बंदू, दूसरे अब अगला देखिए, आपको एक बॉक्स में एक बिंदु, दूसरे बॉक्स में दूसरे बिंदु और तीसरे बॉक्स में तीन बिंदु, चौथे बॉक्स में एक बिंदु, फिर दूसरे बॉक्स में आप कितने बिंदु बनाएंगे, दो बिंदु, फिर उससे अगले तीन बिंदु, फिर उससे अगले एक बिंदु। तो जल्दी से ये भी पैटर्न पूरा कर दीजिए। अब अगला देखिए, एक नारंगी और एक नीला तीर ऊपर, फिर दूसरे बॉक्स में दो एक नारंगी और एक नीला तीर नीचे, फिर तीसरे बॉक्स में तीर ऊपर और फिर चौथे बॉक्स में तीर नीचे। अब अगले बॉक्स पे क्या होगा, ये दोनों तीर ऊपर हो जाएंगे, फिर अगले बॉक्स में दोनों तीर का मुंह नीचे की ओर। तो इस पैटर्न को भी जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। अब अगला देखिए, एक त्रिकोण का मुंह नीचे की ओर, फिर दूसरे बॉक्स में दो बिंदु, फिर तीसरे बॉक्स में एक त्रिकोण का मुंह ऊपर की ओर, फिर चौथे बॉक्स में दो बिंदु, फिर अगले बॉक्स में आप क्या करेंगे, त्रिकोण बनाएंगे जिसका मुंह किस तरफ और होगा, नीचे की ओर होगा, फिर दोबारा दो बिंदु, फिर अगला त्रिकोण बनाएंगे जिसका मुंह ऊपर की ओर होगा। तो इस पैटर्न को भी जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। अगला देखिए, आपको एक भूरे रंग का आकार दिख रहा है, फिर दूसरे बॉक्स में आधा भूरा और आधा नारंगी है, फिर तीसरे बॉक्स में भूरा रंग का आयत है और फिर चौथे बॉक्स में भी यही है। तो जल्दी से इस पैटर्न को भी पूरा कर दीजिए। अब आप कौन सा बनाएंगे, अब आप भूरे रंग का आयत बनाएंगे, फिर उससे अगला क्या बनाएंगे, एक आयत में दो रंग भर देंगे जिसमें आधा रंग होगा किसका, भूरा, और आधा रंग होगा नारंगी। तो इस पैटर्न को भी कंप्लीट कर दीजिए। अब अगली आकार देखिए, उद्ध वृत्त कहते हैं जैसे,
व्रत होता है व्रत का आधा, मतलब जब पूरे गोले को आधा कर देते हैं तो उस आकार को हम उद्व्रत कहते हैं। तो एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर, फिर दोबारा ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। तो अब अगले बॉक्स में हम कैसे बनाएंगे, ऊपर की ओर बनाएंगे उद्व्रत को और फिर उससे अगले बॉक्स में नीचे की ओर। तो ऐसे ही इस पैटर्न को पूरा कर दीजिए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब तुम भी अलग अलग आकृतियों के इस्तेमाल से अपने पैटर्न बनाओ और उन्हें अपने दोस्तों को दिखाओ। तो आप भी अपने घर के अभ्यास कार्य में इन आकृतियों के इस्तेमाल से आप अलग अलग पैटर्न तैयार करें और अपने वह दोस्तों को दिखाएं। अब अगले पन्ने पर आ जाते हैं। संख्याओं के पैटर्न, आओ अब हम संख्याओं वाले कुछ पैटर्न देखें। हर पैटर्न में खाली जगह पर सही संख्या लिखो। तो आपको पहला संख्या है 1, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7। तो इस पैटर्न से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हर एक संख्या में दो नंबर को जोड़ा जा रहा है। तो अगर आप 7 में दो नंबर जोड़ देंगे तो बताइए कितनी संख्या बन जाएगी। नौ संख्या बन जाएगी। तो जल्दी से 9 लिख दीजिए। अब अगला देखिए, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो अब अगली संख्या क्या होगी, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हर संख्या में 10 संख्या को जोड़ा जा रहा है। तो अगर आप 70 में 10 संख्या को जोड़ देंगे तो वह क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा। तो जल्दी से 80 लिख दीजिए। अब अगला देखिए, 24, 27, 30, 33, 36। तो इस पैटर्न से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस पैटर्न से हमें ये समझ में आ रहा है कि हर संख्या में तीन नंबर को जोड़ा जा रहा है। तो जल्दी से 36 में अगर हम तीन नंबर जोड़ देंगे तो बताइए कौन सी संख्या बन जाएगी। उनतालीस संख्या बन जाएगी जो कि होती है 3, 9। अब अगले प्रश्न पर आ जाइए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, उसके बाद 30 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो बताएंगे कितनी बन जाएंगी, 35 हो जाएगी। फिर 40, 40 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो वह कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, 4, 5 हो जाएगी। फिर 45 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 50, 50 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो वह कितनी संख्या हो जाएगी, 55 हो जाएगी जो कि होती है 5, 5। तो अब अगले पन्ने को देखते हैं। टीटू मेढक दो संख्याओं पर से कूदता है और तीसरे पर पहुंचता है, अब टीटू कहाँ जाएगा। इसी तरह जिन संख्याओं पर टीटू कूदेगा उन पर गोला बनाओ। तो ये टीटू मेढक है और वे क्या करते हैं, वे दो संख्याओं को छोड़ के तीसरी संख्याओं पर कूदते हैं। तो अब आपको दो संख्याओं को छोड़ के जिन संख्याओं पर टीटू मेढक कूदते हैं उन संख्याओं को आपको गोला करना है। तो आइए अब हम इसे करते हैं। एक दो को छोड़ के टीटू मेढक तीसरे पे कूदे, फिर तीसरे को छोड़ के छठे पे, तो छठे पे हमने गोला कर दिया। अब किस कहां पर कूदेंगे वो, नौ संख्या पर कूदेंगे, तो नौ को गोला कर दीजिए। अब अगला बताइए किस पे कूदेंगे, बारह संख्या पे कूदेंगे, तो जल्दी से 12 को गोला कर दीजिए। फिर 12 के बाद दो संख्या को छोड़ के वह तीसरे में कौन सी संख्या होगी, 15 संख्या होगी, तो 15 पर
गोला कर दीजिए। फिर उसके बाद बताइए कौन सी संख्या होगी। अठारह संख्या होगी तो 18 को गोला कर दीजिए। फिर कौन सी संख्या होगी, 21 होगी तो 21 को गोला कर दीजिए। फिर उसके बाद बताइए कौन सी संख्या होगी, 24 होगी तो 24 को भी गोला आप कर दीजिए। तो चलिए अब अगला प्रश्न को करते हैं। टीटू कूदते हुए हर कूद में 10वें पत्थर पर पहुंच जाता है, पत्थरों पर संख्या लिखिए। अब आपको हर संख्या में 10 अंक जोड़ने हैं और फिर उसके बाद वह संख्या लिखनी है इन पत्थरों पर। जैसे पहली संख्या कौन सी होगी जिसमें 10 जोड़ने पर 28 आ गया। अठारह संख्या होगी क्योंकि अगर आप 18 में 10 जोड़ेंगे तो वह 28 बन जाएगा। ऐसे ही 28 में अगर 10 जोड़ देंगे तो वह क्या बन जाएगा, 38 बन जाएगा। आप 38 में 10 जोड़िए तो बताइए वह कितना बन जाएगा, 48 बन जाएगा। बहुत बढ़िया, 4 8। अगर आप 48 में 10 और जोड़ देंगे तो वह क्या बन जाएगा, 58 बन जाएगा, 5 8। अगर आप 58 में भी 10 जोड़ देंगे तो वह कितना बन जाएगा, 68 बन जाएगा, 6 8। और अगर 68 में भी आप 10 जोड़ देंगे तो वह कितना बन जाएगा, 78 बन जाएगा, 7 8। बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न करते हैं। ध्यान से देखो और आगे के खानों को भरो। आपको हर एक पैटर्न को समझना है और उसी पैटर्न को समझते हुए आपको आगे की खाली स्थान को भरना है। तो पहला देखिए, ए ए बी बी सी सी, तो अब क्या आएगा, डी डी ई ई एफ एफ जी जी और एच एच। तो ये जल्दी से कर दीजिए। अब अगला देखिए, ए बी सी डी ई एफ, तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम, जी एच आई जे के एल एम एन ओ। अब अगला देखिए, डे नाइट डे, तो अब क्या लिखेंगे आप, नाइट, फिर नाइट के बाद क्या आ जाएगा, डे, फिर नाइट, फिर डे, फिर नाइट। अब अगले प्रश्न पर आइए। एक दो एक दो, तो आप क्या लिखेंगे दो के बाद, एक, फिर दो, तो एक दो, फिर एक दो। ऐसे ही करके ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला देखिए, ये लिखा हुआ है 87, फिर 88, फिर 89, तो 89 के बाद क्या आएगा, 90, फिर 90 के बाद 91, फिर 92, फिर 93, 93, और आखिर में 94, 94। अब अगला देखिए, 20 30 40, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर संख्या में 10 संख्या को जोड़ा जा रहा है। 40 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो बताइए कितना बन जाएगा, 50।
फिर 50 में 10 और जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा 60। 60 में 10 और जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा 70। 70 में 10 और जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा 80। और 80 में भी अगर हम 10 जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा 90। अब एक अगला देखें, 19, 29, 39। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी 10 वाली संख्या को जोड़ा जा रहा है। तो 39 में अगर आप 10 जोड़ देंगे तो वह क्या बन जाएगा, 49। 49। फिर 49 में अगर आप 10 जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा 59। 59। फिर 59 में भी 10 जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा 69। 69। फिर 69 में भी 10 जोड़ देंगे तो वह बन जाएगा 79। 79। और आखिर में क्या होगा, 79 में 10 जोड़ेंगे तो 89। 89। अब अगला देखिए, 2, 5, 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर संख्या में 3 संख्या को जोड़ा जा रहा है। अगर हम 8 में 3 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 लिख दीजिए। 11 में भी 3 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में 3 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 में भी 3 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में भी 3 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, 15, 20, 25। तो इसमें से हमें क्या पता चलता है कि हर संख्या में 5 संख्या को जोड़ा जा रहा है। तो 25 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो वह कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में भी 5 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 में 5 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 में भी 5 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 45 में भी 5 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अगला करते हैं, 18, 21, 24। तो इस क्रम से हमें क्या पता चल रहा है कि हर संख्या में 3 संख्या को जोड़ा जा रहा है। तो 24 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 में 3 जोड़ेंगे तो वह कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में 3 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 में 3 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 में भी अगर हम 3 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अगला देखिए, 52, 52 के बाद है 54, 54 के बाद है 56। तो इस क्रम से हमें क्या पता चल रहा है कि 2 संख्या को हर संख्या में जोड़ा जा रहा है। तो 56 में अगर हम 2 संख्या को जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 5, 8। 58 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा,
62 हो जाएगा, 62 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64। 64 में अगर हम 2 और जोड़ देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 66। अब अगला देखिए, 5P 6Q 7R। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ए बी सी डी की भी संख्या चल रही है और 5, 6, 7, 8 गणित की संख्या भी चल रही, तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, 8S 9T 10U 11V और आखिर में 12W। अब अगला पैटर्न देखते हैं, 85, 75, 65। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर संख्या में से 10 संख्या को घटाया जा रहा है। तो 65 में से अगर हम 10 संख्या को घटा दें तो कितना हो जाएगा, 55। 55 में से अगर हम 10 संख्या को घटा देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 45। 45 में से भी 10 संख्या को घटा देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 35। 35 में से भी 10 घटा देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 25। और 25 में से भी 10 घटा देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 15। अब अगला देखिए, 55, 50, 45। तो यहां पर कौन सी क्रम हो रहा है, यहां पर हर क्रम में 5 संख्या को घटाया जा रहा है। तो 45 में अगर हम 5 को घटा देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 40। 40 में से 5 घटा देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 35। 35 में से 5 घटा देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 30। 30 में से भी अगर हम 5 को घटा देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 25। 25 में से भी 5 को घटा देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 20। बहुत बढ़िया। अब अगला करते हैं, 20, 19, 18। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यह उल्टी गिनती की क्रम है। तो 18 से पहले क्या आता है, 17। 17 से पहले 16। 16 से पहले 15। 15 से पहले 14। 14 से पहले 13। अब अगला देखिए, 40, 38, 36। इसका मतलब ये हुआ कि हर संख्या में से 2 संख्या को घटाया जा रहा है। तो 36 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 34। 3, 4। 34 में से अगर हम 2 को घटा देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 32। 3, 2। 32 में से भी 2 घटा देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 30। 30 में से 2 घटा देंगे तो वह कितना हो जाएगा, 28। और 28 में से भी अगर हम 2 घटा देंगे तो वह कितना हो जाएगा,
26। बहुत बढ़िया, अब अगले बन्ने पर आ जाते हैं। केतु ने पत्ते इकट्ठा कर कुछ पैटर्न बनाए हैं। आपको कुछ पत्ते दिख रहे हैं और कुछ पत्तियां दिख रही हैं, तो आपको इनको किसी भी आकार में जोड़कर इनको एक पैटर्न दिखाया गया है। अब हमें क्या करना है कि अब तुम भी कुछ पत्ते चुनो और उन्हें अलग अलग पैटर्नों में लगाओ, साथ ही माचिस की तिल्लियों से कुछ पैटर्न बनाओ। आप इन पत्तों से कुछ पैटर्न बनाइए और साथ ही माचिस की तिल्लियों से भी पैटर्न बनाइए और इस खाली स्थान में बना दीजिए और फिर हमें दिखाइएगा। आशा है कि आपको यह पैटर्न का पार्ट समझ में आया होगा और आपने इस पार्ट से अनेक प्रकार के पैटर्न या डिज़ाइन बनाना सीखा होगा। धन्यवाद।